प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाजिया लाई खान जी, जो कि डॉक्टर जाकिर नायक और ओवैसी को आड़े हाथों लेंगी और जमके दोएंगी, जिन्होंने ये अपील की है मुसलमानों से कि सब मिलके आगे आएं और वक्फ बोर्ड को बचाएं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नाजिया अली खान लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट की और एक्टिविस्ट भी है। नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये जाकिर नायक जो है, ये कर क्या रहे हैं? ये वहां से राजनीति कर रहे हैं क्या, मलेशिया से? जाकिर नायक एक भगोड़ा इंसान है, जिन्होंने भारत को बहुत लूटा इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, और इस्लाम का झांसा दे करके, इस्लाम को मिसयूज करके, नाउसो बिल्ला, उन्होंने बहुत लूटा है भारत को। भारत में जिस हिसाब की टेरर एक्टिविटीज जाकिर नायक की देखी गई, और जो स्कूल खोल करके जाकिर नायक उसमें टेरर एक्टिविटीज करवाया करते थे, ये किससे छुपा हुआ है? 55 टेरर एक्टिविटीज के जो केसेस हैं वो उनके ऊपर दर्ज है। 135 लोग जिनका नाम FIR पर है, और IB और बहुत सारे जांच एजेंसियों के पास है। 135 टेरर एक्टिविटीज के लोग उनसे जुड़े हुए थे, जिनको वो भारत के विरोध में हाल पोस रहे थे और उनको तैयार कर रहे थे। अब बात आती है कि क्या सच में जाकिर नायक खुद इस मामले में इन्वॉल्व हुए हैं, या हमारे भारत का ही कोई नेता उनको इन्वॉल्व करवाया है कुछ पैसे दे करके या कुछ करके? क्योंकि ये बहुत समझने वाली बात होगी रोहित भाई, क्योंकि हमारे इस भारत देश में जो इस्लामिक क्लेरिक, जो प्रेचर है, जब वो देवबंद से गजबाए हिंद का नारा लगा सकते हैं भारत में रह करके भारत के खिलाफ, तो वो जाकिर नायक को कुछ पैसे दे करके अपॉइंट क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं जाकिर नायक की आतंकी, तालिबानी और जिहादी एक्टिविटीज को अभी ना गिनवा करके, क्योंकि ये सबको पता है, और जो भी गूगल में सर्च करेगा जाकिर नायक टेरर एक्टिविटीज, उसको दिख जाएगा कि वो कितना बड़ा टेररिस्ट है जाकिर नायक। लेकिन हम क्यों ना माने कि असदुद्दीन अवैसी, जो पाकिस्तान के रजाकार फौज का आखिरी सिपा सालार है, वो जाकिर नायक के साथ दोस्ताना रिश्ता है, और असदुद्दीन अवैसी के कहने पर ही जाकिर नायक ने अपना एक स्टेटमेंट एक टेबल पर बैठ करके और बिल्कुल छुप करके, पूरा डरा सहमा हुआ वो एक स्टेटमेंट अपना वीडियो वायरल किया है। आज नाजिया इलाही खान डरी भी होती तो वो अपने चैम्बर का एड्रेस खुलेआम नहीं बता रही। आज नाजिया इलाही खान अगर डरी हुई होती तो अपना पूरा नाम नहीं बता रही होती। आज नाजिया इलाही खान अगर डरी हुई होती तो डंके की चोट में सर्वोच्च न्यायपालिका और देश के न्यायपालिका के अंदर एंटर नहीं कर रही होती। तो नाजिया इलाही खान ने के अंदर भीतर दिल में कोई डर भय नहीं है, वो बिल्कुल सच्ची है, वो बिल्कुल सही है। इसलिए वो सबको पता होता है कि मैं अभी कहां हूं। मैं दिल्ली में होती हूँ, मेरे मूवमेंट के बारे में लोगों को पता होता है। मैं महाराष्ट्र में होती हूँ, मैं खुद पोस्ट कर देती हूँ कि मैं महाराष्ट्र में हूँ। मैं दिल्ली में होती हूँ, मैं खुद पोस्ट कर देती हूँ फिर सोशल मीडिया में कि मैं अभी सर्वोच्च न्यायपालिका में हूँ, या मैं दिल्ली हाईकोर्ट में हूँ, या मैं किसी स्टूडियो में हूँ, मैं खुद कर देती हूँ। लेकिन जाकिर नायक जो छुप करके बैठा हुआ है, वो किसके कहने पर और किसके इशारे पर और किससे पैसा लेकर के भारत में शाहीन बाग 2.0 पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ये पकड़ना बहुत जरूरी है। हम क्यों ना माने कि शायद राहुल गांधी जी ने ही जाकिर नायक को अपॉइंट किया होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी वो हैं जो जॉर्ज सरोस के साथ मिलकर के न्यूज क्लिक चलवा लेते हैं भारत के अंदर। कई पत्रकारों, फेमस पत्रकारों को अपॉइंट करवा करके उनके यूट्यूब चैनल चलवाते हैं, जिसमें एक घंटे में 1 मिलियन 2 मिलियन आना बहुत मामूली सी बात, कंटेंट चैनल जो भी, लेकिन 1 मिलियन 2 मिलियन 2 घंटे में आ जाता है। और न्यूज क्लिक में कई ऐसे पत्रकार हैं जो अरेस्ट भी हुए, और उनमें से कुछ अभी भी अरेस्टेड है, कुछ अभी भी रडार में है इन्वेस्टिगेशन के। तो अब वही राहुल गांधी जो सैम पित्रोता चचा जान के कहने पर
भारत की विरोधिता आज से नहीं एक जमाने से करते आए हैं। हम क्यों ना माने कि इसका पूरा का पूरा गांधी परिवार इन्वॉल्व है जो जाकिर नायक को अपॉइंट किया है, क्योंकि नेहरू वो थे जिन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिर्फ सरदार पटेल के साथ छल नहीं किया, बल्कि जिन्ना के हाथ में एक इस्लामिक देश भी बना करके दे दिया। ये तो बहुत ये तो मैं कोई हवाबाजी में बात नहीं कर रही हूँ। नेहरू वही थे ना जिन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठाने के लिए एक इस्लामिक देश पाकिस्तान बनवा दिया। ये तो वही है ना आती है बात कि हम क्यों ना माने कि इसमें देवबंद और जमायतुल उलमाए हिंद इन्वॉल्व है जाकिर नायक को सामने लेकर आने के लिए, क्योंकि ये वही जमायतुल उलमाए हिंद है जो अहमदाबाद के बॉम्ब ब्लास्ट टेरर में सारे लोगों के लिए केस लड़ रहा था और आज तक लड़ रहा है। हम क्यों ना माने कि जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे इलेक्शन पर फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार भी जाकिर नायक के इस बयान पर उनका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो कुछ दिन पहले वो खोज रहे थे बुरहान वानी को, खोज रहे थे यासीन मलिक को, खोज रहे थे अफजल गुरु को, और अफजल गुरु की मौत पर आंसू बहा रहे थे, छाती पीट रहे थे और उनको उसको ऐसे ऐसे जहादी और तालिबानी और आतंकवादियों को मिस कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला को ये एहसास हो रहा था कि जम्मू कश्मीर को जीतना इतना आसान अब उनके लिए नहीं रह गया है, और वो मिस कर रहे थे, वो अफसोस कर रहे थे उस सिनेरियो पर जब यासीन मलिक, बुरहान वानी, जाकिर नायक और अफजल गुरु उनके झोली में ला करके उनको मुख्यमंत्री का चेयर दे दिया करता था और कश्मीरी पंडितों का गला रेत दिया करता था। तो हम क्यों ना माने कि इन लोगों ने मिल करके जाकिर नायक को कुछ पैसे दिए और जाकिर नायक से ये स्टेटमेंट जारी करवाया। पहले प्रक्रिया मेरी ये, अब मेरी दूसरी प्रक्रिया ये आती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि दूर बैठे हुए एक टेररिस्ट को छुप करके अपनी आइडेंटिफिकेशन अपने लोकेशन को छुपा करके एक वीडियो जारी करना पड़ा, एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा और मुसलमानों को जगाने की कोशिश करनी पड़ी। क्यों? इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड की बात पर और वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट पर मुसलमान अवेसी के साथ नहीं है। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है, इसका मतलब ये साफ होता है कि मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि मुसलमान वक्फ बोर्ड में हो रहे अमेंडमेंट पर बिल्कुल राजी है, और यही वजह है कि मुसलमानों को जगाने के लिए 10-10 12-12 मुल्ला मौलवी और मुफ्ती जो है वो दिल्ली के गलियों की खाक छान रहे हैं नंगे पैर, कंधे पर लाउड स्पीकर लेकर के और एक QR कोड लेकर के और माइक लेकर के चीखते हुए जा रहे हैं कि हमारे मदरसे छीन लिए जाएंगे, हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, हमारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड में हो रहे अमेंडमेंट पर इस देश का कम से कम 15 करोड़ मुसलमान अग्री है कि हाँ होने दो अमेंडमेंट। अब आती है तीसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगी। अमेंडमेंट तो 2013 में भी हुआ था, तब तो वो संविधान के खिलाफ नहीं हुआ था, तब तो उसमें रोना पीटना कलेजा पीटना या मातम करना या विधवा रोना रोना ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। जब 2013 में हुआ था तब तो वो संविधान के पक्ष में था, तब तो अवेसी भी चुप थे, तब तो मदनी भी चुप थे और तब जाकिर नायक भी चुप था और तब किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। अब बात आती है कि आज अचानक से, और वो भी अगर वक्फ बोर्ड एक्ट को आप उठा करके देखिएगा और सेक्शन 12 पर जाइएगा, मैं अभी हाथ में लेकर के बैठी हूँ, सेक्शन 12 पे जाइएगा तो सेक्शन 12 इस बात की अनुमति देता है केंद्र की सरकार को कि वक्त आने पर केंद्र की सरकार इसमें इंटरवीन कर सकती है और अमेंडमेंट कर सकती है। तो अब उस सेक्शन 12 को और 11 को मैं पढ़ के भी आपको बताना चाहूंगी ताकि लोगों को ये ना लगे कि नाजिया इलाही खान जो है वो हवाबाजी में बात कर रही है। 2014, मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिए। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 सेक्शन 12 पेज नंबर 13 पावर और चैप्टर 3, फिर से मैं पढ़ रही हूँ। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 सेक्शन 12 पेज नंबर 13 चैप्टर 3 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। Power of central government to make rule. The central government may
by notification in the official gazette make rule to carry out the purposes of this chapter. तो ये जो intervention, ये जो intervene किया है केंद्र की सरकार ने, ये तो वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के मद्देनजर ही किया है. हालांकि वक्फ बोर्ड का कोई भी जिक्र हमारे संविधान में नहीं है. हमारे संविधान में नहीं है वक्फ बोर्ड का कोई भी जिक्र हमारे अलकुरान में नहीं. हमारे यहाँ बिल्कुल जकात है, फितरा है, जो हम माले गनीमत है, ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ. हम रमजान में बहुत सारे जकात निकालते हैं, हम बहुत सारे फितरा निकालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है. लेकिन आप मंदिरों को क्रैक कर ले, ये तो नहीं है. और हिंदुओं का तो एक घुट पानी भी हमारे लिए हराम है. हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप हिंदुओं के घर में खाना ना खाएं, उनका प्रसाद ना लें, ये सारी चीजें ना लें. जब हिंदुओं का एक घुट पानी भी हमारे लिए हराम है, तो उनकी 15-15 साल की मंदिरें वक्फ बोर्ड का हिस्सा कैसे बन सकती है? वो तो जमीन हराम हो गई हमारे हिसाब से, है ना. दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार इस पूरे टॉपिक के बारे में और खासकर ओवीसी और जाकिर नाइक के बारे में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें. तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिए. जय हिंद, जय भारत.